उनके घर के बीच में ना एक एक कम मतलब क्या बोले रेंटेड हाउस आता था। वो रेंटेड हाउस में ना मतलब क्या होता था, आवाज़ आता था कुछ, जैसे हम लोग जाते थे ना कुछ ऐसा आवाज़ आता, बट वो खाली था, वहाँ कोई रहता नहीं था। आवाज़ आ रही, रोड देख रहे हो कितना सुनसान लग रहा है, कितना खाली मतलब शांत लग रहा है। यही रोड मतलब सुबह इतना यहाँ पे भीड़ रहता है, क्या मतलब पूरा शोर सा रहा था। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। तो ये व्लॉग हम रात में शूट कर रहे हैं और अराउंड अभी टाइम हो रहा है देखिए 12:28, और हम इसीलिए ये रात में शूट कर रहे हैं क्योंकि हमको नींद नहीं आ रहा था, मैं और मेरे भाई को। तो हम लोग सोचे क्या करें, तो फिर हम लोग सोचे भाई चल व्लॉग बनाते करके, तो कुछ नहीं मिला तो हम ऐसे ही व्लॉग बनाना चालू कर दिए। चलिए देखते हैं व्लॉग में क्या होता है, और ये व्लॉग तो हमने रैंडमली चालू किया है, देखते रहिए क्या क्या होता है व्लॉग में। हाय, तो यार ये रोड देख रहे हो कितना सुनसान लग रहा है, कितना खाली मतलब शांत लग रहा है। और यही रोड मतलब सुबह इतना यहाँ पे भीड़ रहता है, क्या मतलब पूरा शोर सा रहा था। आपने शायद वीडियो में देखा भी होगा, मतलब गाड़ी घोड़ा चलता रहता है, लोग सब चिल्लाते रहते हैं। अभी कितना शांत लग रहा है, मैं तो ऐसे जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ छत पे ही सोने के लिए। मुझे मतलब अच्छा लगता है खुला आसमान में सोने में, मस्त ठंडा ठंडा हवा चलता रहता है। मेरी आंटी हमेशा बोलती है घर में सो जाओ, घर तो है ही, तो घर में क्यों नहीं सोते तुम, बट मेरे को बाहर सोने में ज़्यादा मज़ा आता है, यहीं पे छत पे मैं सो जाता हूँ। और हर दिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, चाहे एक दिन दो दिन के लिए आऊँ, बट मैं छत पे ही सोता हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगता है छत पे सोने में। और ये रोड मतलब जब भी नींद टूटता है 2-3 बजे, तो ये छत देखे मतलब खाली रोड देखे मतलब अच्छा लगता है, मतलब सुकून टाइप से लगता है और बहुत मज़ा आता है। आप भी देखें मतलब कितना खाली सा रोड लग रहा है। और आप लोगों को पता है दोस्तों, मतलब यहाँ पे ना मैं जब भी जमशेदपुर आता हूँ ना, तो एक जगह का रसगुल्ला मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ, वो है डी रोड का रसगुल्ला। क्योंकि यहाँ पे ना वो बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाता है। और आप लोगों को पता है यहाँ पे वो समोसा जब बनाता है ना, इसका समोसा आते साथ ही ख़त्म हो जाता है, इतना अच्छा बनाता है। और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा, मैं खुद जब भी जाता हूँ रसगुल्ला लेने ना, तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मैं कभी टाइम से जाता नहीं हूँ। मुझे लगता है हाँ ठीक है बच जाएगा करके, अब बच जाता है, मैं तो जब भी जाता बच जाता है, ऐसे जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये यहीं पर मतलब ये डी रोड में, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पेड़ आ जा रहा है सामने, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा यहीं नीचे में है। बैंक ऑफ बड़ौदा से एकदम सीधे में डी रोड है, वहीं पे इसका रसगुल्ला मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनल मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा इसका रसगुल्ला, बहुत टेस्टी बनाता है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जब भी जमशेदपुर आता हूँ, तो मेरी आंटी के घर पे मैं यहीं पे सोता हूँ छत के ऊपर खुले आसमान में। तो मैं जब भी सोता हूँ ना, तो फोल्डिंग वाले बेड पे सोता हूँ, जो फोल्डिंग वाला बेड मतलब जो बेड फोल्ड हो जाता है और सीधा भी हो जाता है, तो उस बेड पे सोता हूँ। बट आज मेरा भाई बोला वो भी खुले आसमान में सोना चाहता है, तो मैंने ये वाला बिस्तर बिछाया है ऐसा टाइप का, तो ज़मीन पर मैंने बिछा दिया। मतलब मैंने नहीं बिछाया, इसने ही बिछाया है, बेचारा गुस्सा हो रहा है मेरे से, बेचारे को उंगली में कट गया, फिर भी मेहनत करके उसने बिस्तर बिछाया और शूट भी कर रहा है यार, सॉरी थैंक यू यार उसके लिए, थैंक यू, गुस्सा मत हो। और गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आज के लिए हमारे कैमरा मैन है, इन्होंने आज हमारा पूरा शूट किया है। अरे शर्मा क्यों रहा है भाई, इधर भी सी फेस दिखा दे। और गाइस, मैंने तो आपको इतना कुछ बोल दिया जमशेदपुर का, हम जमशेदपुर दिखा दिया आपको, दिखा दिया कैसे डेकोरेशन हुआ था, बट मैं आपको अभी तक नहीं बताया कि जमशेदपुर फेमस किस लिए है। जमशेदपुर को स्टील सिटी भी बोला जाता है। स्टील सिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर टाटा कंपनी, टाटा स्टील, और टाटा कंपनी को तो आप सबको ही जानते हैं, मुझे तो इसके बारे में आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अरे गाइस, आप लोगों को पता है मतलब ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ देख के ना मुझे ना मेरे बचपन का एक बात याद आ रहा है। मैं तो मतलब हाँ, मैंने तो आप लोगों को तो बहुत कुछ बताया जमशेदपुर के बारे में, बट आपको पता है मैं खुद भी जमशेदपुर से हूँ। 2004 से लेके 2012 तक मैं जमशेदपुर में था, और 2012 के बाद मैं चला गया भुवनेश्वर पढ़ाई के लिए। तो 2004 से लेके 2012 तक मैं, मेरा भाई और मेरे 3 कज़न थे, जो मेरे मामा के बेटे थे और एक बेटी थी, तो हम लोग 3 कज़न थे। हम तीनों बहुत एंजॉय करते थे साथ में, जब भी बारिश होता था, तो बारिश के बाद वहाँ पे मतलब पेड़ वेड़ से आम टूटते हैं ना, तो हम लोग हमेशा बारिश के बाद जाते थे आम चुनने के लिए कि आम कहाँ गिरा है, हम लोग लेके घर आते थे। उस वजह से ना मेरे को बहुत सारे चोटें लगे थे, हाथ में, कहीं पैर में, कहीं घुटने में, तो गिर पड़ के वही सब होता है बचपन में, तो होता ही, सबको लगता है। और जिसको नहीं लगा भाई, उसका बचपन अच्छे से बीता ही नहीं, मतलब मैं, हम लोग तो बहुत एंजॉय किए। तो आप लोग और एक बार बताता हूँ, ये पेड़ से याद आया मेरे को ना, क्या होता था कि हम लोग ना, हम मेरे और मेरे कज़न के घर के बीच में ना एक एक कम मतलब क्या बोले रेंटेड हाउस आता था। वो रेंटेड हाउस में ना मतलब क्या होता था, आवाज़ आता था कुछ, जैसे हम लोग जाते थे ना कुछ ऐसा आवाज़ आता, बट वो खाली था, वहाँ कोई रहता नहीं था, आवाज़ आता था। और हमको ऐसा किसी ने बोला
कि उसमें आवाज़ आता था, और जब भी हम पार करते वहाँ से मतलब पायल का आवाज़ आता है, ऐसा ऐसा हमको कोई बोला, ठीक है। तो बट हमने मतलब तभी बिलीव नहीं किया, बट फिर उसके 10 लोग और बोले, मतलब वो हमारे सीनियर लोग थे, मतलब सीनियर मतलब अभी तो मैं सीनियर बोल रहा हूँ क्योंकि आदत सा हो गया, मतलब हमसे थोड़े बड़े थे, तो उन्होंने हमको बताया। अब बाद में हमको पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमको बस डरा रहा है क्योंकि हम बच्चे थे, हम शैतानी ना करें उसी लिए। तो हम लोग ने मतलब ऐसा चीज़ सोच सुन करके ना, हमने मतलब तभी पता नहीं हमारे अंदर अचानक से हिम्मत आने लगा कि भाई अब घोस्ट हंटिंग करेंगे। ऐसा घोस्ट हंटिंग, हम लोग तो बच्चे थे, हमको क्या पता घोस्ट हंटिंग है सब, बट हम लोग सोचने लगे भाई घोस्ट हंटिंग करेंगे, ढूंढने का कहाँ कहाँ भूत है। तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ भी मैं और मेरे जो सारे कजन्स थे और मेरा भाई, तो हम लोग निकलते थे बारिश के बाद, आम तोड़ आम वाम लेने के बाद हम लोग ऐसे चलते रहते थे, और वो जो घर है ना, तो घर के पास जाते थे, सुनते थे भाई क्या है, मतलब पता नहीं डर लग नहीं रहा था उसके बाद से जब हमको पता चला कि ये लोग मजाक करते, बट पता नहीं मेरे को अचानक से फिर सच में अंदर से आवाज़ आया। फिर बाद में हमको लगा भाई ये तो पत्ता का आवाज़ है जो हवा से चल रहा करके, तो हम लोग भाई पहले तो हम लोग पूरा जोर से भागे वहाँ से, फिर बाद में लगा भाई ये तो पत्ता सबका आवाज़ है। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं इसके साथ, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब नींद भी आ रहा है, और अब कुछ बोलने के लिए भी नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है बट धीरे धीरे बताऊंगा आगे और सारे व्लॉग में बताऊंगा। अभी तो हमको बहुत जगह जाना है, अभी तो पूरा इंडिया घूमना है, मतलब पूरा इंडिया एक बार में तो नहीं घूमेंगे बट घूमेंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को और ज़रूर से शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं आगे और बहुत जगह जाने वाले हैं। थैंक यू आप लोगों का, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और हमको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।